कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पा सकें। तो जैसे कि हम लोग कर रहे थे इसके अंदर में ग्रीन कलर, तो हम लोग थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं। मैंने पैलेट में अपना ग्रीन कलर निकाला, थोड़ा सा मैंने क्रोम ग्रीन निकाला, क्योंकि क्रोम ग्रीन इसके अंदर में हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। हम लोग ग्रीन कलर इसके अंदर में मेन लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पैलेट के अंदर में अपना ग्रीन कलर निकाल दिया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग वाइट कलर भी ले लेते हैं। वाइट कलर, थोड़ा सा टर्कोइश हम निकाल लेते हैं। टर्कोइश येलो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं कहीं लगाना है क्रोम येलो। तो देखिए, मैंने पैलेट के ऊपर में क्रोम येलो निकाल लिया है। अभी हम स्पैचुला यूज़ करेंगे। तो ग्रीन कलर हमने लिया, थोड़ा सा ऊपर लेयर पे वर्क किया। यहाँ पे भी लगा देते हैं थोड़ा सा। अभी जो हमने ड्राइंग बनाई थी, इस ड्राइंग को हम लोग धीरे धीरे फिनिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ग्रीन कलर मैंने लगा दिया जहाँ मुझे ग्रीन चाहिए था। तो देखिए, मैंने ग्रीन ऑलमोस्ट उतने एरिया में कर दिया जहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए था। थोड़ा सा ग्रीन और निकालते हैं, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा और ग्रीन, क्रोम ग्रीन, थोड़ा सा व्हाइट, हम लोग दोस्तों इसके अंदर में लेमन येलो भी यूज़ करने वाले हैं, बट लेमन येलो इसके बाद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ग्रीन और क्रोम येलो इनको यूज़ करेंगे। दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हर काम बहुत खूबसूरत बने। इसके लिए हम लोग जितना वर्क कर सकते हैं उतना वर्क अपने काम के संग में करते हैं। देखिए, अभी से ये आर्टवर्क थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हो गया। हर काम थोड़े पहले वाले काम से डिफरेंट होता है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेमन येलो देखते हैं। लेमन येलो हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर में। थोड़ा सा लेमन येलो पैलेट में हम लोग ऐसी जगह निकालते हैं जहाँ से ये लेमन येलो
गंदा ना हो। तो चलिए हमने लेमन येलो यहाँ निकाला, थोड़ा सा हमने और वाइट चाहिए हमें, तो हम थोड़ा सा और वाइट निकाल लेते हैं। लेमन येलो थोड़ा सा लिंसेड ऑयल, क्योंकि हमारा कलर हल्का सा नरम पड़ जाए ताकि इजीली वो स्प्रेड हो सके। दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा दिखने लगा है ये काम। हमारे हर काम में आप डिफरेंट देख सकते हैं कि हर काम पहले वाले काम से अलग है। आप इसमें सारे कलर देखेंगे कि हम सारे कलर इसमें मिक्स करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। जल्दबाजी करके कई दफ़े अपने काम को ख़राब कर देते हैं, तो हम लोग जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अच्छा काम हो, इसके लिए हम लोग इसको आराम से करेंगे। देखिए ऊपर के जितनी भी लेयर है वो सारी हमने डन कर दी है। ऊपर जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा सा फर्क चाहिए था, तो देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमारा ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। अभी हम बाकी के हिस्से पे वर्क करेंगे, बाकी का हिस्सा हम लोग कोशिश करेंगे उसके अंदर में काम करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग अपना स्पैचुला क्लीन कर लेते हैं। तो हमने अपना स्पैचुला क्लीन किया, देखिए अभी बिल्कुल ठीक हो गया है, एकदम साफ, ताकि हमारा बाद वाला जो कलर है वो गंदा ना हो। तो थोड़ा सा हम क्रोम येलो लेते हैं, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे काम कैसे लगते हैं, या आपको ये इस तरह की टेक्निक आपको कैसी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नया आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में आके, ताकि मैं अगले काम के अंदर में वो थोड़ा सा चेंजेस ला सकूँ जो आप देखना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कलरफुल है, वाइब्रेंट लग रहा है। तो बिल्कुल ही अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम ड्राइंग स्टार्टिंग में नहीं करते, हम ड्राइंग बिल्कुल बाद में करते हैं जब हमारा सेकंड लेयर रेडी होने वाला होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया हमने अपनी पैलेट के अंदर में, क्योंकि हमें अपना ऑरेंज कलर लेमन येलो के समय थोड़ा सा मिक्स करना है। दोस्तों ये कलर बहुत खूबसूरत है, ऑरेंज और कैडमियम येलो जब हम मिक्स करके लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा सा एक फील मिलता है। हमारे जो वाइब्रेंट कलर है, हमारे वाइब्रेंट कलर अलग ही दिखते हैं। थोड़ा सा क्रोम ग्रीन चाहिए,
क्रोम ग्रीन से क्या होगा, ये हमारा कलर और थोड़ा सा निकल के आ जाएगा। ये फ्रेश ट्यूब है तो फ्रेश ट्यूब से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। मिक्स करते हैं इसके संग में, सेव क्रीम भी थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि वो हमें इफेक्ट मिल सके जो हमें चाहिए। यहाँ पे भी इसको इस तरह से लगाएंगे ताकि ये ऊपर वाले कलर से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा कलर लिया, मिक्स किया बैकग्राउंड के संग में, जो बैकग्राउंड में हमारा कलर लगा हुआ है उसके संग में मिक्स कर दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो निकल के आ रहा है आर्टवर्क। अभी हम इसे फिनिशिंग की तरफ ले जा रहे हैं अपने आर्टवर्क को। आप देखेंगे ये धीरे धीरे फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने आज नया क्या सीखा, इस पेंटिंग के अंदर आपने नया क्या सीखा या आप नया कुछ क्या सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं या नहीं। तो जैसे कि हमने ये कर दिया है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अल्ट्रा मैरिन ब्लू लेते हैं और जहाँ पे हमें थोड़ा सा चाहिए वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो आप देखिए मैं बिल्कुल विदाउट मिक्सिंग के मैंने कलर लगा दिया। आपको यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप अपने काम के अंदर में कैसे नया एकदम कलर लगा दें। थोड़ा सा वाइट लेते हैं, थोड़ा सा सेव ग्रीन और बैकग्राउंड में हम जो काम कर रहे थे उसके संग में हम लोग मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा ऑलमोस्ट वर्क डन हो गया है। अब इसमें हमारा सिर्फ डिटेल रह जाएगा ताकि हम डिटेल कर दें और इसे कंप्लीट कर दें इस आर्टवर्क को। आराम आराम से काम को अपने फिनिश कर रहे हैं।
थोड़ा सा क्रोम ग्रीन ले लेते हैं और वाइट, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगे और आप प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा कब आपको किस तरह का आर्टवर्क चाहिए या किस तरह के आप टेक्निक सीखना चाहते हैं। आप किसी भी मीडियम की बात कर सकते हैं, हम किसी भी मीडियम पे काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो भी आप बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो कैसे बना रहे हैं, ठीक है, वरना आप जो हमने फर्स्ट जो लेयर रेडी किया था, फर्स्ट के बाद में जो सेकंड लेयर रेडी किया था हमने, उसको आप ख़राब ना कर दे बस, क्योंकि अभी सारा हमने वर्क किया है इसके अंदर में, वो बाद में गड़बड़ ना हो जाए। और हम जो भी कलर लगा रहे हैं, हम ध्यान रखें कि वो हमारे नीचे वाले कलर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी। तो कुछ भी डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम लोग सोच के चलेंगे कि हमें कब कहाँ और कैसे क्या चीज़ बनानी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्पैचुला हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, स्पैचुला की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम लेते हैं अपना छोटा ब्रश, छोटे ब्रश से हम लोग डिटेल करेंगे। ये रहा हमारा छोटा ब्रश, देखिए दोस्तों ये हमारा छोटा ब्रश है। तो हमने अपने हाथ क्लीन कर लिए ताकि हम लोग अच्छे से वर्क कर सकें। तो ये देखिए मैंने स्पैचुला रख दिया, स्पैचुला की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हमने तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल करना है। डिटेल करने का दोस्तों तरीका देखिए आप, बहुत स्मूथ तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं। जहाँ हमें ज़रूरत लग रही है डिटेल की, हम लोग वहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आराम तरीके से, आराम से हम लोग डिटेल कर रहे हैं।
बहुत फाइन लाइनें बना रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो मेरा लंबा होने वाला है, लेकिन आप प्लीज़ स्किप मत करना, आप फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर देखना।